हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे गोवा कब आजाद हुआ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1947 में ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले गए थे, लेकिन पूरा इंडिया तब भी आजाद नहीं हुआ था, जैसे कि गोवा जो अब तक पुर्तगीज के कंट्रोल में था। इंटरनेशनल प्रेशर और डिप्लोमेटिक इफेक्ट के बावजूद पुर्तगीज गोवा छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, और जाते भी कैसे, 400 साल तक रूल करने की आदत जो पड़ गई थी। ऐसे में एक रास्ता था फोर्स यूज करने का, लेकिन तब पंडित नेहरू नॉन वायलेंस फॉलो कर रहे थे। जब पूरी इंडिया में गोवा को फ्री करने की आवाज चल रही थी, आखिरकार 1955 में लॉन्च हुआ महासत्याग्रह। सत्याग्रह ने गोवा में एंट्री करने की कोशिश की, तब उन्हें सामना करना पड़ा पुर्तगीज की गोलियों का। इसके बाद भी इंडिया ने मिलिट्री एक्शन नहीं ली, गोवा को इकोनॉमिक ब्लॉक जरूर किया। ब्लॉक के बाद हालत ये थी कि पुर्तगीज को अपना जरूरत का सामान बाकी देशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन गोवा तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। 1961 में इंडिया ने प्लान किया ऑपरेशन विजय, इंडिया के तीनों आर्म फोर्सेस ने किया पार्टिसिपेट। ऑपरेशन के दूसरे दिन ही पुर्तगीज फोर्स ने साइन किया अनकंडीशनेबल सरेंडर, गोवा फाइनली शामिल हुआ इंडियन यूनियन में। दोस्तों, ये थी गोवा और पुर्तगीज की कहानी। आपको क्या कहना है पुर्तगीज के बारे में कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।